नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस में जिन नेताओं का कोई भविष्य नहीं है तो कार्यकर्ताओं का क्या हो सकता है। वहीं प्री बजट को लेकर के कांग्रेस द्वारा बयानबाजी पर भी पलटवार किया। पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और यहां कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्री बजट को लेकर के सभी विधायकों ने सीएम मनोहर लाल को अपने सुझाव भी दिए, लेकिन कांग्रेस के नेता उसमें भी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अच्छा काम करती है तो विपक्ष को भी तारीफ करनी चाहिए। रणजीत सिंह आज सिरसा के डबावली हल्के में कई गाँव का दौरा कर रहे थे। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने 8 मार्च की सिरसा से खारिया की रैली के लिए लोगों को निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि इस रैली में करीबन 70,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे और ये रैली सिरसा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। इस रैली में सीएम मनोहर लाल के समक्ष सिरसा की व जिले की कई मांगे भी रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल सिरसा जिले में अनेक सौगातें देंगे। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हो ना जी, डबवाड़ी के 3 मीटिंग होनी है, एक यहाँ है, दूसरी डबवाड़ी है, तीसरी गोरीवाड़ा है और ये आदित्य साथ घूम रहा है। मैं समझता हूँ डबवाड़ी से भीड़ जाएगी ज़बरदस्ती, हमारी रैली 70-80 हज़ार से ऊपर जाएगी, कहीं भी जा सकती है। मैं सीएम साहब से भी कह के आया हूँ कि 70,000 से कम आंकड़ा नहीं होगा। किस तरह की मांगे लोग दे रहे हैं? अब तक सरसा में ऐसी रैली नहीं हुई लोग कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे बता रहे हैं? देखिए, लोगों से घूम रहे हैं हम, लोगों ने जितनी मांग देंगे, मुख्यमंत्री का खुला दिल होता है, जब इतनी बड़ी सभा देखेंगे और सरसा के लोगों का सबसे पिछड़ा वर्ग लाए, जरूर काम होंगे, निश्चित रूप से होंगे। क्या कुछ मुख्य मांगे देखेंगे सीएम साहब के सामने? लोगों की मेन मांग इस इलाके में ये है कि पानी हो, बिजली हो, नहर का पानी खूब मिले उन्हें और बिजली मिले, इसके बाद स्कूल अपग्रेडेशन हो, बाकी गांव के जो सामूहिक विकास हैं गलियों का और का, वो सब लोगों की मांग है, खाल टूटे हों वो बने। सीएम साहब के साथ प्री बजट में आपने भी भाग लिया, तो क्या कुछ सुझाव आपने दिए? नहीं, वो देखिए, एक मीटिंग थी, पहली बार ऐसा हुआ है, पहले अब तक हरियाणा के इतिहास में ऐसे नहीं। बड़ा अच्छा हुआ, हर MLA को अपनी बात एक्सप्रेस करने का मौका मिला, वही जो रेगुलर जो बातें होती हैं, पर लोगों को मौका बहुत बढ़िया मिला और चीफ मिनिस्टर ने बड़े खुले मन से सबकी बातें सुनी, हमारे सीएम साहब ने उसमें अपने लाइक कॉन्स्टिट्यूंसी की बातें थी, लोगों ने अब प्रमुख था, जैसे पानी की बातें, गांव की गलियां हैं, स्कूल की अपग्रेडेशन है, बिजली की बातें थी, मतलब ये सारी जो बातें हैं वो इस तरीके की बातें हैं। हाँ भाई, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इस बजट जो मीटिंग हुई थी वो बेबुनियाद थी, कोई मतलब नहीं था उसका। उन्होंने कभी कराई नहीं, अगर उन्हें बुनियाद दिखती तो वो करवाते ना, उनके लिए तो नया अचंभा था। जब वहाँ थे तब तो हमें खाने पे कह रहे थे यार बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास है, अब बाहर वो पब्लिक मीडिया में अपनी बातें कह रहे हैं, पर अगर अच्छी नहीं थी तो वो आए क्यों थे? सबको बुलाएगा, सबने फिर अपनी राय क्यों दी? सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, किस तरह? हमारे वो सम्मानित साथी हैं, हम उनके लिए कोई छोटी टिप्पणी नहीं करना चाहते। अगर हम विपक्ष में रहेंगे, वो कभी सत्ता में होंगे, तो हम उनकी तारीफ करेंगे, उन्हें कंस्ट्रक्टिव बात के लिए रचनात्मक आलोचना करें और वैसे अच्छी बात हो तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, किस तरह देखते हैं? बहुत बढ़िया हुआ है जी, 100 दिन में सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हमें ली हैं। आप मेरे महकमे में देख ले, बिजली में फ़र्क आ रहा है ना जी, पहले महकमे तो सभी महकमों में बहुत तेज़ी से सब एक्सपीरियंस आदमी है, बढ़िया काम हो रहा है और बड़ी कोइंसिडेंस है टीम में, आपस में मिल के बहुत तालमेल बहुत बढ़िया है। कांग्रेस का भविष्य कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस का भविष्य मैं तो देखता नहीं, अगर कांग्रेस का भविष्य होता तो मैं यहाँ क्यों आता? जब मेरे जैसे आदमी के वहाँ भविष्य नहीं तो बाकी आम लोगों का क्या भविष्य है?